वेलकम टू योर चैनल दैट इज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय नितिन राणा। एक्चुअली नितिन इज़ माई यंगर ब्रदर एंड आई नेम्ड दिस चैनल आफ्टर हिज नेम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ये कोर्स जो कि है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप देख सकते हैं कि बहुत छोटा है तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो इंग्लिश एक भाषा है, इसे आप 90 दिन में नहीं सीख सकते या 100 दिन में नहीं सीख सकते, इसे आप अभ्यास के साथ ही सीख सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि मेरे चैनल पर आप इस भाषा को कम से कम 6 महीने में सीख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाना चाहती हूँ। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? अल्फ़ाबेट शायद आप कहेंगे 26, लेकिन आप गलत हैं। अल्फ़ाबेट तो केवल एक शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्णमाला। वर्णमाला आपको पता है ना कि हिंदी में वर्णमाला होती है जिसमें सभी अक्षर आते हैं ऐसे लेकर ज्ञ तक। तो उसी प्रकार इंग्लिश में वर्णमाला को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट में सभी लेटर्स आते हैं A to Z। ए टू जेड जितने लेटर्स हैं उन सब को मिलाकर जो समूह बनता है उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। 26 तो लेटर्स होते हैं, लेटर्स जिनको हम हिंदी में अक्षर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। आप कहेंगे कि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ तो ऐसा मिलेगा जो आप नहीं जानते होंगे, और यदि आप जानते भी होंगे तो भी आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वोवल्स इंग्लिश में वोवल्स होते हैं 5, A E I O U, और रेस्ट 21 लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स से मुझे एक और टॉपिक याद आता है जो कि हम आने वाले आर्टिकल चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि ए और एन ये दोनों ही आर्टिकल्स हैं। एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? एन का यूज़ हम वोवल, जिस वर्ड की साउंड, फर्स्ट वर्ड की साउंड, जैसे कि मैं एक वर्ड लिखूँ अम्ब्रेला, शुरू में ए की साउंड आ रही है, ए की आवाज़ आ रही है। और आप जानते हैं कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, मैं उनको भी यहाँ पर लिख देती हूँ। A E I O U A I O U N G E, आप जानते हैं कि 11 स्वर होते हैं यानी वोवल्स होते हैं हिंदी में। यदि किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत में आपको इन 11 में से किसी की भी आवाज़ सुनाई पड़े तो आप उससे पहले हमेशा एन का यूज़ करते हैं। जैसे अम्ब्रेला में ए की आवाज़ हमें सुनाई देती है तो इसलिए हमने एन का यूज़ करते हैं, एन अम्ब्रेला। ऐसे ही आप एक और वर्ड देख सकते हैं अर्ली में भी हमें ए की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो हम इससे पहले भी एन अर्ली का यूज़ करेंगे। और एक वर्ड है हमारे पास YEAR। कई स्टूडेंट्स इसको ईयर प्रोनाउंस करते हैं, इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं ईयर, ऐसे ईयर, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। ईयर नहीं बोलते हैं इसको, इसके शुरुआत में वाई है। यदि इसको ईयर बोलते तो इससे पहले हम एन का यूज़ करते, एन एन ईयर बोलते, लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन है वो होता है ईयर। इसका प्रोनंसिएशन ईयर होता है, इससे पहले हम इसीलिए एन का यूज़ नहीं करते हैं। और बाकी जो लेटर्स बचते हैं उनके साथ हम वर्ड्स, बाकी सभी वर्ड्स के साथ हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे
a pen, a table, and so on. तो आप आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीटिंग्स, मतलब अभिवादन. आप किसी का अभिवादन करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एट्सेट्रा. गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है, ये सब मैं आपको बताती हूँ. सुबह से दोपहर 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं. गुड मॉर्निंग किसी से मिलने पर, जब आप किसी से मिलते हैं, अपने टीचर्स से मिलते हैं या अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं सुबह से दोपहर 12 बजे तक. तो मैं लिख देती हूँ मिलने पर, मिलने पर. मिलने पर आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन विदा लेने पर आप कई वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे बाय, टेक केयर, सी यू, और हैव अ नाइस डे. हैव अ नाइस डे, इस तरह. मिलने पर आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं और विदा लेने पर बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, इन चारों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं. ठीक उसी प्रकार दोपहर 12 बजे से शाम पाँच बजे तक आप बोलते हैं गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून बोलते हैं किसी से मिलने पर. लेकिन विदा लेने पर आप यही शब्द यूज कर सकते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू, और हैव अ नाइस डे. ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं. शाम 5 बजे के बाद किसी से मिलने पर आप गुड इवनिंग बोलते हैं. गुड इवनिंग आप कहेंगे कि हम यदि रात के 8 बजे किसी से मिल रहे हैं तो हमें गुड नाइट बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, आप रॉन्ग हैं. गुड नाइट हम हमेशा विदा लेते समय बोलते हैं. गुड नाइट विदा लेते समय बोलते हैं. अगर आप रात के 11 बजे भी किसी से मिल रहे हैं तो आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे, और विदा लेने पर आप गुड नाइट बोल सकते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू एट्सेट्रा आप बोल सकते हैं. तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है इंग्लिश में टाइम कैसे पूछें या टाइम कैसे बताते हैं इंग्लिश में. अगर आपको किसी से टाइम पूछना है तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द टाइम. और यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द टाइम, तो आपको टाइम कैसे बताना है वो देख लीजिए.
बजकर इतने मिनट, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे मैं कहूँ 5:10, 8:15, 6:30, इस तरह से हम बोलते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले आप बोलेंगे मिनट, फिर आप बोलेंगे फास्ट, और फिर आप बोलेंगे आवर। ये इसका फॉर्मूला है। जैसे मुझे कहना है 8:05, पहले मुझे मिनट बोलनी है, मिनट कितनी है 5, 8:05, तो 5 फास्ट, आवर मतलब 8:05, 8:05, 8, इस तरह से आप होते हैं। अगर मुझे कहना है 9:30, कितने मिनट 30, तो 30 फास्ट 9, 30 past 9। दूसरा है इतने इतने बजने में इतने मिनट, इसका फॉर्मूला है मिनट प्लस 2 प्लस आवर। आई एम सॉरी डियर फ्रेंड्स, मेरी मॉम ने मुझे बुला लिया था, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि है मिनट प्लस 2 प्लस आवर, इतने बजने में इतने मिनट। मैंने कहा था 8:05, और यदि मैं कहूँ 8:05 हैं, तो कैसे बोलेंगे 8:05 है, तो 5:08, 5:08, 9:30, तो 30:09, 30:09। इन दोनों फॉर्मूलाज को आप लर्न कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 का आधा क्या होगा, 30 मतलब आधा मतलब हाफ। तो यदि मैं कहूँ 9:30, 9:30, तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, 30 past 9, 30 past 9। 30 के जगह पर आप हाफ भी बोल सकते हैं, half past 9। इसी तरह यदि मैं कहूँ 5:15, तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, 15 to 5, 5:15। 15 की जगह आप क्वार्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं quarter to 5, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे आने वाले टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।